रामनवमी को लेकर नया परिसदन भवन में सोमवार शाम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में सभी अखाड़ा लाइसेंस धारकों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में विधायक के अलावे प्रशासनिक अधिकारियों में आईएएस प्रशिक्षु उत्कर्ष कुमार, सदर एसडीएम विशालदीप खलको, डीएसपी संजय राणा, सदर सीओ रवि भूषण प्रसाद, बीडीओ नगर थाना प्रभारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी, पचम्बा थाना प्रभारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी के साथ साथ अखाड़ा समिति के संचालक उपस्थित थे। बैठक के दौरान रामनवमी पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान आवश्यक चीजों को पूरा करने का भी विधायक द्वारा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान लाइसेंस अखाड़ा संचालकों ने भी प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ही जुलूस निकालने की बातें कही। इस बाबत विधायक ने कहा कि बैठक के दौरान कई आवश्यक चीजों पर सैद्धांतिक सहमति बनी। 29 मार्च तक जितने भी बचे हुए कार्य है उसको पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था के साथ रामनवमी का त्यौहार खुशी पूर्वक मनाएं। पावन पर्व की तैयारी के सिलसिले में गिरिडीह अनुमंडल के खास करके पचम्बा शहर और मुफस्सिल के तमाम लाइसेंसियों से, अखाड़ा के संचालकों से और प्रशासन के तमाम पदाधिकारी जिसमें निगम के भी और सीसीएल के भी पदाधिकारी मौजूद थे, एक समन्वय बैठक हुई जहां जहां जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उन पर एक सैद्धांतिक सहमति बनी और साथ में यह तय हुआ कि 29 तारीख के 10 बजे तक जितने भी कामों की सूची तैयार की गई है इसका कंप्लायंस हो जाए और जो नहीं हो पाता है संबंधित लोग जैसे ही सूचना देंगे हम लोग बचे हुए आखिरी दिन में तमाम कामों को पूर्ण कर लेंगे। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि रामनवमी का यह पावन पर्व बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ इस बार पुनः संपन्न हो।